हेलो एवरीवन वेलकम टू शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम डियर्स आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में मोडल्स का जो टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं और डियर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है ही ब्लैंक टू गो आउट फॉर ए वर्क ही ओट टू गो आउट फॉर ए वाक उसे एक वाक पर जाना चाहिए नेक्स्ट है ब्लैंक ही गो देअर विल ही गो देयर क्या वह वहाँ जाएगा नेक्स्ट है इफ़ आई वर ए वर्ड आई ब्लैंक फ्लाई वेरी हाई आई वुड फ्लाई वेरी हाई अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं बहुत ऊँचा उड़ता इच्छा के लिए वुड यूज़ करते हैं नेक्स्ट है वी ब्लैंक हेल्प द पुअर एंड द नीडी वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी हमें अवश्य ही जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करनी चाहिए नेक्स्ट है वी ब्लैंक डू or डाई वी विल डू और डाई सिंपल सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल लगता है लेकिन यहाँ पे एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली गई है कि वी विल डू और डाई हम या तो करेंगे या मरेंगे इसलिए जो दृढ़ प्रतिज्ञा की जाती है उसमें ये अपोजिट हो जाते हैं जहाँ सेल होना चाहिए वहाँ विल यूज होता है और विल होना चाहिए वह सेल यूज होता है तो वी विल डू और डाई नेक्स्ट यू ब्लैंक गिव अप स्मोकिंग यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग तुम्हें अवश्य ही धूम्रपान छोड़ देना चाहिए नेक्स्ट है वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वी मस्ट फॉलो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल अवश्य ही हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए नेक्स्ट ही रन सो फास्ट दैट ही ब्लैंक कैस द ट्रेन ही रन सो फास्ट वह बहुत तेज दौड़ा दैट की ही माइट कैच द ट्रेन शायद वो ट्रेन को पकड़ सके जो मे होता है उसमें ज़्यादा संभावना होती है माइट में संभावना कम होती है लेकिन मे में पोलाइटनेस ज़्यादा होती है और माइट में पोलाइटनेस कम होती है यहाँ पे संभावना कम है ट्रेन को पकड़े जाने की इसलिए माइट नेक्स्ट है मे आई कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इजाज़त मांगने के लिए जब हम इनफॉर्मल वे में इजाज़त मांगते हैं तो मे यूज़ करते हैं फॉर्मल वे में मांगते हैं तो कैन यूज़ यूज करते हैं नेक्स्ट है दे ब्लैंक क्रॉस द रिवर दे कैन क्रॉस द रिवर वो नदी को पार कर सकता है नेक्स्ट ब्लैंक आई गो आउट मैडम मे आई गो आउट मैडम मैडम क्या मैं जा सकता हूं नेक्स्ट इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सेक्स इट इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुमने मेहनत की यू माइट सेक्स इट तो तुम सफल हो सकते हो सफल होने की संभावना है नेक्स्ट में आई ओपन द डोर यहाँ भी इजाज़त मांगी गई है और इजाजत के लिए मैं यूज होगा नेक्स्ट है आई ब्लैंक डू एवरी थिंग फॉर माई फैमिली आई विल डू एवरी थिंग फॉर माई फैमिली मैं अपने परिवार के लिए आ, सब कुछ कर सकता हूँ यहाँ सेल यूज नहीं होगा विल यूज होगा क्योंकि ये दृढ़ प्रतिज्ञा है उसकी उसने प्रोमिस किया है अपने आप से कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई फैमिली मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करूंगा नेक्स्ट ब्लैंक यू प्लीज लैंड मी योर कार वुड यू प्लीज लैंड मी योर कार नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है देखिएगा वी नोट टैले लाई वी मस्ट नोट टेले लाई हमें अवश्य ही झूठ नहीं बोलनी चाहिए नेक्स्ट है ही प्रेड दैट गॉड ब्लैंक गिव मी prosperity. ही प्रेड दैट उसने प्रार्थना की कि प्रार्थना के लिए मे यूज़ किया जाता है लेकिन प्रेड सेकेंड फॉर्म है मतलब पास्ट की बात की जा रही है और पास्ट में हम मे का माइट करते हैं ही प्रेड

ओपोज his फादर वह अपने पिता के विपरीत जाने की डेयर नोट हिम्मत नहीं कर सकता नेक्स्ट वी ब्लैंक नोट live विदाउट वाटर वी कैन नोट लिव विदाउट वाटर हम पानी के बिना नहीं रह सकते नेक्स्ट ब्लैंक आई यूज योर फोन मे आई यूज योर फोन क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ इजाज़त मांगी गई है तो मे यूज़ करेंगे नेक्स्ट है द स्काई इज़ क्लियर इट ब्लैंक रेन टुडे आसमान साफ़ है जब आसमान साफ़ है तो बारिश होने की संभावना बहुत कम होती है ना के बराबर होती है इसलिए हम यहाँ मे यूज़ नहीं करेंगे माइट यूज़ करेंगे द स्काई इज़ क्लियर इट माइट रेन टुडे नेक्स्ट स्नेक्स ब्लैंक बी डेंजर्स सांप खतरनाक हो सकते हैं क्षमता कैपेसिटी दिखाई गई है सांप डेंजरस हो सकते हैं तो कैन यूज करेंगे नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी वुड पहले ही बता दिया वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी क्या आप एक चाय का कप लेना पसंद करेंगे नेक्स्ट चिल्ड्रन शुड ओबे देअर पेरेंट्स चिल्ड्रन शुड ओबे बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए नेक्स्ट इफ इट रेन्स दे ब्लैंक नोट कम इफ इट रेंस अगर बारिश होती है तो वे नहीं आएंगी दे विल नोट दे विल नोट कैम नेक्स्ट स्टूडेंट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग स्टूडेंट विद्यार्थी को गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना चाहिए चाहिए मतलब ओ टू स्टूडेंट्स ओट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट ए सोल्जर ब्लैंक फाइट फॉर हिज कंट्री ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री नेक्स्ट है आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर वैन आई वॉज यंग वैन आई वॉज यंग जब मैं जवान था आई स्विम uh, the river. मैं नदी को तैर करके पार कर सकता था क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम अपनी इसकी कैपेसिटी uh, के लिए कैन यूज़ नहीं करेंगे कुड यूज़ करेंगे आई कुड स्विम across द रिवर वैन आई वॉज यंग नेक्स्ट ही ब्लैंक बी ट्वेंटी फाइव ई ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक बी वह हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का नेक्स्ट ईयर अगले साल तो अगले साल वह पाँच वह पच्चीस साल का हो जाएगा तो ही विल बी ट्वेंटी फाइव वह पच्चीस का होगा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट है मे आई गो आउट मैडम वही सेम इजाजत मांगी गई है तो मे आई गो आउट नेक्स्ट रीना सोल्व दिस प्रॉब्लम रीना कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम रीना इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है इस समस्या का हल रीना निकाल सकती है नेक्स्ट सी ब्लैंक केम लेट टुडे शायद आज वह लेट आए तो सी मे कम लेट सी मे कम लेट टुडे नेक्स्ट है वी ब्लैंक स्पीक द ट्रूथ वी मस्ट स्पीक द truth. हमें अवश्य ही सच बोलना चाहिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होता है वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो Lest यू शुड फेल नहीं तो तुम फेल हो जाओगे ए सोल्जर ब्लैंक ओबे द ऑर्डर ए सोल्जर मस्ट ओबे द ऑर्डर सिपाही को अवश्य ही जो ऑर्डर होते हैं आदेश होते हैं वो मानने चाहिए नेक्स्ट ही ब्लैंक लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स वह इस भारी बॉक्स को उठा सकता है नेक्स्ट वुड दैट आई वर ए चाइल्ड वुड दैट आई वर ए बर्ड काश मैं एक पक्षी होता नेक्स्ट देखिए ही इज वर्किंग हार्ड शो दैट ही ब्लैंक स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास ही इज वर्किंग हार्ड वह कठिन मेहनत कर रहा है शो दैट ताकि ही में स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास वो क्लास में फर्स्ट आए फर्स्ट आने की संभावना तभी तो ज्यादा होगी जब कठिन मेहनत की जाएगी नेक्स्ट देखिए यू ब्लैंक पे यूअर डिबेट्स यू मस्ट पे यूर डिबेट्स तुम्हें अवश्य ही अपने जो डिबेट्स हैं वो बिल जो हैं वो अदा कर देने चाहिए नेक्स्ट आई विस ही ब्लैंक नोट पे द वायरलेस सो लाउडली आई विस मैं चाहता हूँ मेरी इच्छा है ही वुड नोट पे द वायरलेस सो लाउडली इच्छा के लिए हमेशा हम वुड यूज़ करते हैं नेक्स्ट ब्लैंक आई कैरी द बॉक्स इन टू द हाउस फॉर यू कैन आई कैरी द बॉक्स क्या मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ इन टू द हाउस घर के अंदर फॉर यू तुम्हारे लिए मतलब क्या मैं इस बॉक्स को घर के अंदर तुम्हारे लिए उठा ले जा सकता हूँ नेक्स्ट आई ब्लैंक टू बी एन एथिस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गोट आई यूज टू बी एन एथीस्ट मैं एक एथीस्ट नास्तिक हुआ करता था बट नाउ आई बिलीव इन गॉड लेकिन अब मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ नेक्स्ट ब्लैंक आई असिस्ट यू सेल आई असिस्ट यू क्या मैं तुम्हें असिस्ट करूँगा नेक्स्ट ब्लैंक यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी क्या तुम दूसरा कॉफी का कप पसंद करोगे नेक्स्ट आई ब्लैंक रन फास्ट वहन आई वॉज यंग वैन आई वॉज़ यंग जब मैं जवान था आई कुड रन फास्ट मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था जब मैं जवान था मतलब पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में हम कैन नहीं कुड यूज़ करेंगे नेक्स्ट है ही सेट आई ब्लैंक यूज़ हिज टेलीफोन एट एनी मोमेंट एट एनी टाइम ही सेट उसने कहा कि आई कुड यूज हिज टेलीफोन एट एनी टाइम उसने कहा कि मैं उसका फ़ोन किसी भी समय यूज़ कर सकता था सैड आया है सैड से पता चला कि ये पास्ट की बात है ना कि प्रेजेंट की प्रेजेंट की बात होती तो हम कैन यूज़ करते अब पास्ट की बात है तो हम कुड यूज़ करेंगे नेक्स्ट है इफ़ यू ब्लैंक सी हीम पे हीम माई रेगार्ड इफ यू इफ यू शुड सी हीम अगर तुम उसे मिलोगे देखोगे पे माई रिगार्ड मेरा रिगार्ड मेरा सम्मान उसे दे देना इफ यू शुड सी हिम नेक्स्ट ब्लैंक यू शो मी द वे टू द स्टेशन वुड यू सी मी वुड यू शो मी क्या तुम मुझे दिखाओगे द वे टू द स्टेशन स्टेशन का रास्ता वुड वुड एक ऐसा शब्द है जिसमें हम थोड़ी प्रार्थना भी करते हैं और थोड़ी सी सामने वाले की इच्छा भी पूछते हैं ठीक है तो यहाँ पे वुड यूज होगा वुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन तो डियर्स ये थी अपने मॉडल्स की एक्सरसाइज आई होप सारे सेंटेंसेज आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है कोई सेंटेंस है जिस पे आपको डाउट है क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर सब कुछ क्लियर हो गया है अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इंतज़ार किस बात का है पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय ए ग्रेट टाइम